Welcome to बालाजी स्टडियाडा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डाइट से सिग्नेचर कराने कि नहीं, यूपी टेट के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, ये एक प्रश्न काफ़ी कंफ्यूजन भरा हो रहा है। उसी के संबंध में आगरा से एक न्यूज़ जो है वो प्रकाशित हुई है, जो आपका डाउट जो है थोड़ा सा और क्लियर कर सकती है कि प्रमाणित अंक पत्र की प्रति से मिलेगा TET में प्रवेश। इसमें बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हैं, डायरेक्ट ले चलते हैं हम उस लाइन पर जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है कि अंक पत्र की फ़ोटो कॉपी के सत्यापन के भ्रम को जो है वो दूर करते हुए जो डाइट प्राचार्य अहिभरन सिंह हैं, उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ बीएड, बीटीसी या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर का मूल अंक पत्र या उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। जैसे कि आपको पता है, अंक पत्र की फोटोकॉपी एडेड डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, डाइट प्राचार्य या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से प्रमाणित हो, जैसे कि इसे पहले भी जो है वो बताया जा चुका है। नया क्या है कि कॉलेज से प्रमाणित होने के बाद डाइट से प्रमाणित कराई जाए, स्पष्ट तौर पर इन्होंने न्यूज़ में जो है वो छापा हुआ है। और अभ्यर्थी डाइट से अपने अंक पत्र की प्रति का सत्यापन कराएं तो जो है वो बेहतर होगा, इस प्रकार से जो है इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। तो ये मान के चलिए कि जो भी लोग आगरा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करते हैं, उनको हर हाल में सिग्नेचर कराना है, क्योंकि यहां पर ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि डाइट प्राचार्य जो है उन्होंने ही जो है ये कहा है। बात करते हैं अन्य जिलों की, तो अन्य जिलों में भी काफी मांग उठ रही है कि डाइट से सिग्नेचर जो है वो करा लेने चाहिए। एक ऑडियो भी अभी हाल ही में वायरल हुआ है, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि जो आपका डाइट से सिग्नेचर है वो जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो अगर इतना ही ज़रूरी है तो इन सभी चक्करों में पढ़ने से अच्छा है, यदि नज़दीक है आपके डाइट तो साइन करा लीजिए, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या जो है आपको उत्पन्न ना हो। बाकी यदि इसके संबंध में ऑफिशियल रूप से कोई नोटिस आती है तो मैं आपको सूचित जो है वो अवश्य करूंगा। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।